दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लंगोट की कटिंग कैसे करें? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में यही जानेंगे कि एक लंगोट की कटिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, वैसे हमने एक वीडियो लंगोट का बनाया हुआ है अपने चैनल पे, तो उसमें हमने सिलाई भी दिखाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लंगोट आज की जनरेशन में पहनना बहुत ज़रूरी हो गया है, कि जो लोग जिम जाते हैं या सेना में भर्ती होना चाहते हैं और जो दौड़ लगाते हैं उनके लिए मतलब लंगोट पहनना ज़रूरी होता है, या जिसको हाइड्रोसील है तो उसको भी लंगोटा पहनना ज़रूरी होता है। तो इन्हीं के लिए मतलब कुछ लोगों ने कमेंट किया था, सर हमको लंगोट की कटिंग बताएं, तो हम आज की इस वीडियो में लंगोट की कटिंग बताएँगे आपको। तो जैसा कि दोस्तों हमने लंगोट बनाने के लिए एक मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, जैसे मीडियम इंसान के लिए, और जैसे बहुत मोटे ताज़े जो इंसान होते हैं उनके लिए 1.25 मीटर भी चल चल जाएगा, उसमें भी बन जाएगा, अच्छे से लंगोट बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एक लंगोट कैसे कटिंग की जाती है। तो जैसे दोस्तों हमारा ये 1.25 मीटर कपड़ा है, तो इसमें हम लंगोट की कटिंग बताएँगे आपको। तो जैसा कि हम इसको 32 इंची कमर के हिसाब से लंगोट काटेंगे, जैसा कि ये 32 इंच का कमर है, तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से लेंगे। तो सबसे पहले आप अगर लंगोट किसी साइज़ का बनाना है तो उसका पहले उस इंसान का कमर नाप लें जिसका लंगोट बनाना है आपको। तो कमर का भाग आपको देखिए, हम आपको बता रहे हैं इस तरह से, आप इसको रखिए इस तरह से। और ये हमेशा जो कपड़ा है ये स्ट्रेचेबल होना चाहिए, मतलब और एक कपड़े में होना चाहिए, ये खड़ा कपड़े नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये मतलब जब पहनते हैं तो इसको स्ट्रेचेबल होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए, इसलिए लंगोटा अच्छे से बैठता है। तो दोस्तों इस तरह से जैसे आप पहले सबसे पहले आप यहाँ कमर नाप लीजिए, अगर कम पड़ रहा है तो फिर इसको ऐसा बढ़ाते जाइए इस तरह से। अब इस तरह से ये भाग जो है कमर का भाग हो जाता है। तो जैसा कि हमने आपको 32 इंची कमर बताया था, ये 32 इंची हमारा हो गया है। अब इस तरह से हम इसको कटिंग कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको डबल भी कटिंग कर सकते हैं, डबल कपड़े भी लगा सकते हैं। अगर पतला कपड़ा है तो आप डबल कर सकते हैं इस चीज़ को। अब ये हमारा ये पहला भाग हो गया, ये हमारा ये कमर का भाग हो गया, ये हमारा 32 इंच है। अब इसकी लंबाई आपको जो लेना है, जैसे मीडियम साइड में आप 13 इंची भी ले सकते हैं, 12 इंच भी ले सकते हैं, 14 इंच भी, जैसा इंसान मोटा तगड़ा रहता है उस हिसाब से बनता है ये। तो इसको फ़िलहाल हम 12 इंची लंबाई कर देते हैं। तो हमको 1 इंच ऊपर यहाँ सिलाई के लिए फोल्ड कर लेना है, 1 इंच छोड़ देना है पहला इस तरह से, 1 इंच हमको एक्स्ट्रा छोड़ करके, और हमको यहाँ से 12 इंच लंबाई ले लेना है इस तरह से। 12 इंच हो जाएगा तो इस तरह से अब हम इसको डबल कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से हम लंबाई जैसा कि हमारा 1 इंची यहाँ फोल्ड के लिए हो जाएगा, हम यहाँ से 12 इंची लंबाई ले लेंगे इसको इस तरह से। अब इसको हम क्रॉस करके ऐसा कटिंग कर देंगे। ये हमारा हो गया है ऊपर का भाग। अब इसमें हमको मियानी पट्टी लगाना है, जो कि पट्टी मतलब नीचे वाली पट्टी लगती है इस तरह से। तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी जैसे 5 इंच 6 इंच कपड़े लेने की आवश्यकता होगी इस तरह से। इस तरह से आप 6 इंच पे निशान लगा ले, 6 इंच पर, ये हमारा 6 इंच हो गया। और जिसको हाइड्रोसील होता है रहता है तो उसको मतलब 7 इंच भी पट्टी लगाया जाता है, ताकि ये मियानी ये जो पट्टी होती है चौड़ी रहे, ये ताकि ये आसन में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो हम इस पर कटिंग कर देंगे। और दोस्तों याद रहे दूसरी बात ये कि ये पट्टी की लंबाई आप कितना रखेंगे, इसको हम आप 38 इंची रखेंगे, 38 से 40 इंची तक रख सकते हैं आप, 38 इंची भी रख सकते हैं, क्योंकि ये डबल पट्टी लगती है अंदर आसन में, डबल 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 में बार बार दो बार बांधना पड़ता है, इसलिए इसकी पट्टी लंबाई 38 इंची से 40 इंची होनी चाहिए, उतना आप रख सकते हैं। तो इसको अगर आपके पास कपड़े कम हैं तो इसमें ज्वाइन करके आप इसको बढ़ा सकते हैं इसकी लंबाई,
और फिर आप और नाड़ी के लिए कपड़े चाहिए आपको, जिसमें आप नाड़ी के लिए कपड़े काट लीजिए, बाकी कपड़े में इस तरह से नाड़ी के लिए कपड़े काट लीजिए। नाड़ी बनाते वक्त थोड़ा सा चौड़ा नाड़ी होना चाहिए, नाड़ी थोड़ा सा चौड़ा रहेगा तो ठीक रहता है, क्योंकि जब कमर में बांधते हैं नाड़ी तो थोड़ा खिंचाव आता है, इसलिए दरारें पड़ जाती हैं। तो थोड़ा पट्टी है, आप इसको थोड़ा चौड़ा बनाएं आप जो नाड़ी लगती है। तो दोस्तों इस तरह से लंगोटा कटिंग करते हैं। तो अभी इसको अगर आपको सिलना है तो आप इसको दोनों बाजू सिलाई मार लीजिए, पहले इसको किनारी मोड़ फोल्ड करके सिलाई मार लीजिए और इस बाजू से भी, और फिर इसको इस पर रख करके इस तरह से इसको यहाँ से सिलाई आप मार सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, फिर कई बार यहाँ सिलाइयाँ मारी जाती हैं। तो इस तरह से आप लंगोटा इस तरह से बना सकते हैं। अभी हमारा जो ऊपर का भाग हो गया तो इसको हम यहाँ से फोल्ड, इसको फोल्ड करते चले जाएंगे इस तरह से ऐसा, तो हमारी जो नाड़ी बनी रहेगी, नाड़ी हम इसमें यहाँ फंसा देंगे, यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ नाड़ी सिलाई यहाँ लग जाएगी। तो इस तरह से आप लंगोटे बना सकते हैं। तो दोस्तों लंगोटा काटना बहुत आसान है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट करके बताएँ। तो इस तरह से आप लंगोटा की कटिंग कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। सिलाई की वीडियो हमारे चैनल पर है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से रहा लंगोटा आपका, इस तरह से कटिंग कर सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।